वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइस मैं थोड़ी देर पहले एक वीडियो बना रहा था इविल नन की गाइस, बट उसमें हुआ ये कि गाइस मुझे एक फ़ोन कॉल मिल गई थी, तो गाइस मैं फ़ोन कॉल उठाने के चक्कर में गाइस मेरा गेम प्ले वीडियो मुझे रोकना पड़ा गाइस। और गाइस मैंने जब वापस से गेम को ओपन किया तब तक गाइस वो सब चीज़ मिट चुकी थी जो भी मैंने सेटिंग्स की थी। मैं ना अपने नाम देख लेता हूँ, पहले नाम तो यहाँ पर देखूंगा मैं। गाइस इस बार मैं स्किप नहीं करूँगा इसे, आप लोगों ने देखा तो नहीं है, दिखा दे रहा हूँ मैं। कुछ लोग ने नहीं देखा होगा, उन लोग के लिए मैं स्किप नहीं करूँगा। गाइस कोई नन हमें समर कैंप पर लेने आई थी, हम लोग जा रहे हैं अभी ये इविल नन के स्कूल पे। हम लोग स्कूल के अंदर आ चुके हैं और गाइस हम लोग यहाँ से उतर के नीचे जाएंगे समर कैंप के लिए। ये मज़ा आएगा देखो, मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा यार, सज़ा मिलेगी तुमको फालतू की। ये इविल नन बहुत इविल है, बहुत ज़्यादा बुरी है, बहुत ज़्यादा क्रूअल भी है। ये बच्चों को समर कैंप के बहाने देखो गाइस कैद कर लेती है अपने स्कूल में और उनसे लॉन्ड्री का काम कराती है। गाइस इसकी कहानी आप लोगों को इविल नन 2 में पता चल जाएगी, इविल नन की पूरी कहानी। इविल नन की एक दोस्ती थी पहले, उसका नाम एलिसा था। गाइस उस वो मर जाती है एलिसा, तो गाइस एलिसा के मौत के बाद वो गाइस एक नन बन जाती है अपनी ज़िंदगी बदलते हुए। और गाइस वो फिर काले जादू रिचुअल्स करने लगती है गाइस, और बाकी सब काला जादू करने शुरू कर देती है ताकि वो किसी बच्चे के बॉडी में उसकी आत्मा को ला के उसे ज़िंदा कर सके अपनी बेटी को। गाइस वैसे तो ये पागलपन है एक तरह से, वो इतनी ज़्यादा ईविल हो गई है। इस फिलहाल से इसकी स्टोरी आपको इविल नन 2 में पता चलेगी, अभी तो नहीं पता चल सकती है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं तो अभी बता रहा हूँ तो कुछ लोग को समझ में ना आए, हो सकता है येल्लो की है यहाँ पर। वेट अ मिनट प्रो, बात नन हैज़ अ बैड हियरिंग, हाँ ये तो है। ब्रूम, मुझे ब्रूम मिल गया, मैं भाग सकता हूँ अब इस घर से, आई मीन स्कूल से। कि घर तो नहीं है कोई, स्कूल है गाइस। ओ आ रही है, यहीं आ रही है, आ गई आ गई आ गई, भागी नहीं तो रुक तो रही है यार ये। गाइस इस गेम को मैं हार्ड मोड पे भी जल्दी खेलूँगा, वैसे इतना हार्ड तो नहीं है यार ये गेम, ग्रैनी से आसान है यार बहुत ज़्यादा। गाइस इस गेम को मैंने एक्सट्रीम मोड में भी कई बार कंप्लीट किया है, बट गेम प्ले वीडियोस कभी नहीं बनाई एक्सट्रीम मोड पे खेलते हुए। की बॉक्स मिल गया गाइस, और अब हम यहाँ जाएंगे बाहर। इविल नन को आने दो पहले, इविल नन, इविल नन, सिस्टर मैडलिन आ भी जाओ यार, नहीं आ रही है लग रहा, मैं बाहर चाह रहा हूँ, आ जा आ जा यहाँ। मैं नॉर्मल मोड में भी इस गेम को कंप्लीट कर सकता हूँ, नेक्स्ट गेम प्ले में तो नॉर्मल मोड में खेलूँगा मैं इसको। वो अंदर गई, ऊपर मैं चला जाता हूँ, इस कुकी बॉक्स को मुझे फेंकना है। इस कुकी बॉक्स को खोलने के लिए आपको एक ऊंची हाइट से फेंकना होगा इसको, तो वही मैं यहाँ से फेंकूँगा इसको। कुकीज बॉक्स है ओपन विद स्मैश, यहाँ पर गई। देखिए क्या क्या है, न्यू अपडेट आ चुका है इस गेम का, मैं न्यू अपडेट ही खेल रहा हूँ, ओल्ड वर्जन नहीं है ये। यहाँ पर कुछ नहीं है, चलो नीचे चलते हैं फिर। सिंगिंग फिश ट्रॉफी देखो कि बचती है, देखो वही भी गाने का आती है ट्रॉफी। देखो वही इसका चेहरा देख लो, इतनी रोशनी नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर दिखेगा शायद इसका चेहरा, आ जाओ इविल नन यहाँ, ये देखो इसका चेहरा दिख गया होगा अभी तक। आओ आओ मैं भाग दूँगा, 3 2 1 बाय।
escape from school through the main door, easy mode. Achievement unlocked हो चुकी है गाइस. गाइस ये सबसे शॉर्ट गेम प्ले है मेरा. बट गाइस शॉर्ट गेम प्ले तो मैं नहीं बनाना चाहता, लॉन्ग गेम प्ले होना चाहिए. तो मैं वैन स्केप भी अभी करूँगा नॉर्मल मोड में. बहुत तेज हो रही है भाई. गाइस नंदन इज फास्टर देन ऑल, क्लियर्स एवरीथिंग. एपिक एस्केप, एस्केप थ्रू द सीवर्स. एक नया अपडेट आया है उसके बारे में मुझे पता है. ब्लड स्किप इंट्रोडक्शन स्किप कर देते हैं यार. आप लोग ने देख ही लिया है. हार्ड मोड पे गाइस कोशिश करूँगा मैं वैन एस्केप का. 5 मिनट या 6 मिनट का गेम प्ले मैं नहीं बनाना चाहता, तो इसको थोड़ा लॉन्ग गेम प्ले बनाना है मुझे अभी. हार्ड मोड पे गाइस अभी हम लोग खेल ही रहे हैं जब, तब इस हम यहाँ पर पहले आवाज़ करेंगे बहुत ज़्यादा. खुल चुका है हमारा बंकर, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है. पहले आवाज़ हो चुकी है यहाँ पर और वो इविल नन यहाँ आएगी. देखते हैं आती है कि नहीं. इविल नन को अब बुलाने का इंतज़ार करेंगे हम लोग. इविल नन आएगी कि नहीं. हार्ड मोड पे आ तो जानी चाहिए. आ जाओ इविल नन. आ गई, वहीं खड़ी है वो. तो इसका पीछा करते हैं. चलो गेट नहीं बन गया, उसने देख भी लिया. उसने भागो यार, देख रही है मेरे को. उसने देख लिया यार हम लोग को इतनी जल्दी. उस मैम ने बंद कर दिया मैंने गई इस गेट को. जल्दी मिल जाओ फ्यूज. स्मॉल केबल कार्ड विथ फोन नंबर. मैं सिस्टर फिलिपा को बुला सकती हूँ. मुझे सिस्टर फिलिपा को बुलाना होगा. बट गाइस अभी मैं सिस्टर फिलिपा को तो नहीं बुलाऊँगा. येलो की इस बार शायद नहीं मिलेगी मेरे को. लोकेशन थोड़ी बदली बदली लग रही है. मैंने आवाज़ कर दी, विल आएंगी अभी, फिर हम लोग भागेंगे. आ गई आ गई आ गई आ गई. भाग भाग. डर भी लगता है इस गेम को खेलने में क्योंकि ये चेस करते हैं जब ये लोग. मैंने फ्यूज लगा लिया है. दरवाज़ा खोलने में उसको टाइम लगेगा तब तक. आवाज़ नीचे हो गई है, अब वहाँ जाएगी. अब वो आएगी भी नीचे तब जाएगी ना. आ रही है, चलो हम लोग यहाँ भाग जाते हैं अंदर. मेरे को डर क्यों लग रहा है, अजीब सा डर लग रहा है मुझे. बाहर निकल जाएगा उसको. आउटफिट कर दिया मैंने, नन को आउटफिट करना मुझे आता है. मुझे गाइस पेंट ढूंढना है. पेंट गाइस मुझे वो सिस्टर फिलिपा जो होती है वो पेंट कुछ लेकर आएगी, वैन लेकर आएगी. तो कई सारे कपड़े लेकर आती है गई वो. तो जब वो कपड़े लेकर आएगी तब गई मुझे ज़रूरत पड़ेगी पेंट से. गई मुझे गंदा करना है उसको. गाइस तेजी से हम लोग जाएंगे पहले. ये यहाँ पर हो क्या, कोई काम तो नहीं है उसका. वैन आई उसे, कोई नहीं है. चलो कोई आ तो नहीं रहा. वो आ भी सकती है इविल मैन. है क्या वहीं पर, वहीं पर खड़ी है क्या. वो वैन आ गई, भाग. वो वैन आ गई, मैम तो नहीं आए. अरे ये देख लिया, कहाँ पे आए. ओए ओए भाग, ए तू भी भाग, तू भी भाग. ये भागने दे यार मेरे को. क्या मुसीबत है. इसको टक्कर मार, इसको टक्कर मार, मार 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 मार.
शुक्रिया, लेकिन यार वो चली गई छोड़कर मेरे को पीछे, बुरी खबर है। चलो कोई बात नहीं, मेरे को फ़ोन नंबर तो मिल गया उसका, उसको अभी कॉल करेंगे हम लोग जाके लैंडलाइन से। हमें येल्लो की मिलेगी कहाँ, वो ढूंढना है पहले तो। येल्लो की को गाइस हमें ढूंढना होगा जो थोड़ी देर पहले मिली थी। सबको डोर को चेक कर लूँगा मैं पहले। येल्लो की यहाँ होगी शायद, प्लीज़ येल्लो की यहीं हो यार, यहाँ पर नहीं है। जो मैं सोच रहा हूँ होता क्यों नहीं कभी। मैं जो भी सोचता हूँ कभी होता ही नहीं जल्दी। यहाँ पर भी हो सकती है येल्लो की, नहीं यहाँ पर भी नहीं है। रूम है लेकिन यहाँ पर इस डोर को खोल देता हूँ। नाउ यू कैन एंटर सेक्रेटरीज रूम थ्रू द डोर। आई नो इसमें येल्लो की है क्या, येल्लो की है तो है कहाँ, ऊपर होगी। चलो ऊपर चल के देखते हैं, नन आ गई होगी। बट चलो नन से क्या लेना देना मेरा। मिल गई ये लोकी, ये गाइस। चलो आवाज़ करते हैं यहाँ पर पहले, उस नन को बुलाएंगे हम लोग यहाँ पर। आवाज़ हो गई है, भागो आने दो। नन आएगी शायद अभी, मैंने मर गई थी शायद वो। लेकिन परमानेंटली तो गई, वो मुझे नहीं लगता मरेगी, वो जिंदा होकर आ ही गई होगी। चलो आएगी ज़रूर वो। मैं यहाँ से अभी निकल देता हूँ। ओ डराई गया उसने तो, ओ ओ मैंने कर दिया। अभी क्या बात, आ जाओ मेरे से धीरे चल रही। हार्ड मोड में भी, एक्सट्रीम मोड में भी इतनी ही तेज़ी से चलेगी नन। बट गई लाइट ऑफ रही सब जगह की, अंधेरा रहेगा बिल्कुल। मिल गया है तो यहीं ड्रॉप कर देता हूँ मैं। मेरे को अभी नीचे जाना होगा हार्ड नंबर लेने, वो फ़ोन नंबर आई मीन। विंड जाना अंदर, वे जाना नीचे से आ जाएगी शायद वो, नीचे से आ सकती है, आ जाएगी नीचे से शायद वो। चलो भाग जाते हैं, आ सकती है वो कहीं से भी। आई क्यों नहीं लेकिन अभी तक, नन गई अभी तक आए नहीं, वो वैन भी अभी तक नहीं आई। ये देख लो गई, यही समर कैंप देखा, इसके अंदर विलियम है जो ईविल नन 2 का प्लेयर था। उसके बारे में और भी बातें बताऊंगा मैं जब इसके पास गए। आप लोग जाते हैं तो ये खोलता है इस चीज़ को, थोड़ा सा दरवाजे को आप नहीं खोल सकते अंदर से क्योंकि बंद है ये। वो वैन का आने का इंतज़ार करने आ गई, थैंक गॉड फाइनली वैन आ गई, हम लोग इस्केप कर सकते हैं। बस हमें जाना है, ओए हट जाए सामने से, टक्कर मार देगी। कितनी तेज़ी से आई यार वैन, कितनी तेज़ी से आ रही है। चलो जाएगी, छुप जाते हैं। चलो जाने दो उसको, दरवाज़ा खोलो सिस्टर फिलिपा, सिस्टर फिलिपा। तो ए मैं नहीं जा रहा उसके पास, जब वो सो जाएगी तब जाऊंगा। सोने जाएगी तभी जाऊंगा। गई सोने, यू हैव मेस्ड अप द क्लोथ इन द ट्रंक। अब बस एक ही काम करना है हमें, अब ये बेल बजेगी, बेल बजने का इंतज़ार करना है, बेल बजने का। गाइस जब वो बेल बज जाएगी उसका मतलब सिस्टर फिलिपा उठ जाएगी।
अभी सिस्टर फिलिफा अभी कुछ सामान रखेगी लॉन्ड्री का अंदर। और कुछ कपड़े जो मैंने गंदे किए उसे बाहर निकाल के रखेगी फिर वो। देखा नहीं ना, चल के देखें। एक कपड़ा उसने रख दिया। दूसरा भी ले लिया उसने। तीसरा रख देगी अभी जाके। चलो छुप जाओ इसके अंदर। फाइनली मैं छुप गया टाइम से। इविल नन द ब्रोकन मास्क वाले गेम में तो गाइस हम लोग बाहर भी निकल सकते हैं गाइस, लेकिन इविल नन वाले गेम में आप बाहर नहीं निकल सकते हैं इसके अंदर छुपने के बाद। गाइस एस्केप तो हो नहीं वाला है, बस मैं छुप गया हूँ। बस ये जैसे गेट बंद करके मुझे वैन चला के बाहर ले जाएगी। आई डोंट नो ये कहाँ ले जाएगी इन कपड़ों को। बेल बज गई गाइस, सिस्टर फिलिफा भी उठेगी, गेट बंद करेगी, फिर जाएगी। हार्ड मोड, ये इसमें अचीवमेंट्स भी होती हैं इस गेम में। गाइस अचीवमेंट्स कंप्लीट करने में शायद पैसे मिलते हैं या फिर कुछ नहीं मिलता। हम लोग बाहर जा रहे हैं स्कूल के, लेकिन मैं बाहर बैठा हूँ डब्बे में निकल के। गाइस इस गेम का प्लेयर रॉड भी हो सकता है। रॉड को आप लोग जानते नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ, इविल नन का बेटा है। जो गाइस एक आइसक्रीम वाला हॉरर गेम है, उसका जो मेन कैरेक्टर है, जो विलन है आइसक्रीम वाले गेम में, उसका नाम रॉड है। वो इविल नन का बेटा है। हो सकता है कि हम लोग रॉड बन के खेल रहे हैं उस गेम में, लेकिन प्लेयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है इस गेम में। गाइस फिलहाल से इसमें एक और दो और स्केप होते हैं। एक तो बलून स्केप होता है, एपिक स्केप, और एक सीवर स्केप होता है गाइस न्यू अपडेट में जो आया है पिछले साल ही। गाइस वैसे मैं जल्दी, मुझे मास्क पीसेस भी कलेक्ट करने हैं गाइस। फिर मास्क पीसेस कलेक्ट करके हमें एक मास्क बनाना है जिससे हम लोग टेलीपोर्ट हो सकते हैं। और गाइस फिर हमें इविल नन के स्कूल से भागना है कई सारे बच्चों को एक बलून स्केप में। गाइस उसमें विलियम भी होगा, इविल नन 2 का जो हमारा प्लेयर था गाइस, तो वो हमें क्या बोलते हैं, वो मदद करेगा हमारी एस्केप करने में। और गाइस नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है गाइस तो। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।